इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज सीईटी भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी होने वाला है। तो एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आपको कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एग्जाम के बाद अगर आपके भी सीईटी के फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई तो वो आप सुधार सकते हो। और उसके लिए जब भी करेक्शन विंडो ओपन होगी मैं इसी यूट्यूब चैनल पर आपको अपडेट दे दूंगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि सीईटी एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा एडमिट कार्ड का जो लिंक है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो जैसा कि आपको मालूम है, एसएसओ आईडी के माध्यम से आप अपने एडमिट कार्ड चेक कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको सर्च करना होगा एसएसओ आईडी। जब आप एसएसओ आईडी सर्च करोगे तो आपके सामने राजस्थान सिंगल साइन ऑन का ऑप्शन आएगा, इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नया पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा, जिसमें आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। यूजर नेम में आपको अपने एसएसओ आईडी लिखनी है और पासवर्ड में एसएसओ आईडी के पासवर्ड लिखने होंगे। अगर किसी कारणवश आप अपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड भूल गए हो तो आई फॉरगॉट माई एसएसओ आईडी के आगे क्लिक हेयर लिखा हुआ है, आई फॉरगॉट माई पासवर्ड के आगे भी क्लिक हेयर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप अपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ कैप्चा कोड जो दे रखा है, जैसे कि यहाँ दे रखा है 890319, इसी तरह जो आपको कैप्चा कोड दे रखा होगा वो आपको लिखना होगा। गलत कैप्चा कोड डालोगे तो आपके लॉगिन एसएसओ आईडी नहीं होगी। इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे आपके सामने नया पेज इस तरह से ओपन होगा, जिसमें आपके पास ऑप्शन होगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करने पर आपके सामने फिर से नोटिफिकेशन का पेज ओपन होगा। तो इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा टॉप पे, गेट एडमिट कार्ड का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे गेट एडमिट कार्ड पे, तो आपके सामने फिर से नया पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा, जिसमें आप देख सकते हैं अभी तक तो सीईटी 2024 का नहीं आया है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ सीईटी 2022 लिखा हुआ है, और अभी जो 2024 में आपने भी कोई एग्जाम दिए तो उनकी भी एग्जाम की लिस्ट आपके सामने होगी। जैसे कि मैं सीईटी 2022 के माध्यम से बता रहा हूँ, आपको भी इसी तरह सीईटी 2024 देखने को मिलेगा। तो पेज को जब साइड में लोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से गेट एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा एडमिट कार्ड आ जाएगा, जिसमें लिखा होगा आपका सेंटर है वो कौन से स्कूल या कॉलेज में है, कौन से जिले में है, समय क्या है, कौन से दिन आपका एग्जाम है, और इसका प्रिंट निकाल कर आपको एग्जाम हॉल में डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर आपको एग्जाम हॉल में लेके जाना है। और इसके साथ ही आपको पेन भी लेके जानी है, नवीनतम रंगीन फोटो भी लेके जाना है, और पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास है वो लेके जाने हैं। बाकी ड्रेस कोड को लेकर जो भी इंस्ट्रक्शन है वो कल मैंने आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बता दिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, चैनल के वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब किसी को एसएसओ आईडी से नहीं हो रहे हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड, तो वो वेबसाइट के माध्यम से भी देख सकते हैं, और उस वेबसाइट का लिंक मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है, एडमिट कार्ड का लिंक। वहाँ पर आप जैसी लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने पूछा जाएगा एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से। एप्लीकेशन नंबर अगर आपके पास नहीं है तो जिस दिन आपने फॉर्म फिल किया था उसी डेट का आप या तो मेल चेक कीजिए या एसएमएस चेक कीजिए, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। अगर मेल एसएमएस भी डिलीट हो गए तो कोई बात नहीं, एसएसओ आईडी में आप माई रिक्रूटमेंट में आपके आज तक जितने भी आपने फॉर्म फिल किए वो सभी लिस्ट होगी। वहाँ सीईटी 2024 के व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करने पर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म भी ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप अपने एप्लीकेशन नंबर भी ले सकते हो। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखकर कैप्चा कोड डालकर आप अपने एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि आपके पास दो सोर्स है, चाहे एसएसओ आईडी से भी देख सकते हो, चाहे वेबसाइट से भी देख सकते हो। अभी तक लिंक शो नहीं हो रहा है, और जैसे ही शो होगा आपको टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा लिंक, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि सीईटी एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। फिर चाहे वो एग्जाम के बाद आपके करेक्शन विंडो जब भी ओपन होगी उसमें किस तरह से आपको फॉर्म में सुधार करना है वो भी मैं आपके जब ओपन होगी करेक्शन विंडो मैं आपको बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि सीईटी एग्जाम से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकें।